छठवां चीज, नो मिस्टिसिज्म। साधुगिरी नहीं। किसी को क्या नहीं बनना है? साधु नहीं बनना है किसी को। ओके मतलब क्या? नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि जो अपने आप गुड बिलीवर जो अपने आप को साधु बोलते हैं दे रॉन्ग। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, ये विचार, हम जाएंगे अकेले प्रभु के सामने, हम समय बिताएंगे और हम घुटना टेकेंगे और देर देरी तक वहाँ पर रहेंगे और प्रभु मुझसे बात कीजिए, प्रभु मुझसे बात कीजिए, प्रभु मुझसे बात कीजिए, हम आपका आवाज़ सुनना चाहते हैं, ठीक है, कलीसिया में होने के बावजूद, वो नहीं चलेगा। बाइबल को लेके जाइए, तब परमेश्वर बात करेंगे। क्योंकि अगर आप जाएंगे कमरा में और अकेले बस प्रार्थना कर रहे हैं बिना बाइबल का, बिना बाइबल पे रिलाई किए, लेकिन अपना प्रार्थना पे आप रिलाई कर रहे हैं, आप गिरा हुआ मनुष्य का आवाज़ सुनेंगे, आप अपना ही गिरा हुआ मनुष्यत्व का आवाज़ सुनेंगे अपना दिल से। लेट मी टेल यू, ट्रूथ इज़ नॉट फाउंड इन साइड, इट इज़ फाउंड इन अ बुक, द बाइबल, दैट्स इट। सैंक्टिफाई देम बाय देयर इनर वॉइसेस, नो। यूहन्ना का 17:17, बाय द वर्ड, वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा, तेरा वचन सत्य है। प्रभु तू उन्हें पवित्र कर उनके भीतरी आवाज से, नहीं, उन आपका वचन से, आपका सत्य से, तेरा वचन सत्य है। बाइबल इज कंपल्सरी। नाउ देर आर गुड क्रिश्चियन मिस्टिक्स, जो लोग वचन पे दिन रात मनन करते हैं अकेले, दैट आई एनकरेज दैट, थम्स अप टू दैट, ग्रेट, ठीक है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टिसिज्म, जो पेगन मिस्टिसिज्म है, ठीक है, नो पेगन मिस्टिसिज्म, जो है कि हम अकेले जाएंगे प्रार्थना करेंगे, बहुत समय तक प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा को और नहीं, नहीं, दैट इज़ द थिंग विच वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ। अकेले अपने आप को बंद करना, बाइबल को हटा के, दैट इज़ रॉन्ग। बाइबल को लेके जाइए, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी बोले हैं कि वो बाइबल के द्वारा ही बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी दे दिए हैं बाइबल। ज़रूर प्रार्थना कीजिए, घंटा घंटा प्रार्थना कीजिए, लेकिन परमेश्वर यहोशू को क्या बोले, यहोशू का 1:6 में, दिन रात मनन करो, दिन रात मनन करो बोले, नहीं, क्या बोले, दिन रात वचन पे मनन करो, मेडिटेट ऑन द वर्ड डे एंड नाइट। ओके, लेट बी, वहाँ जाने का जरूरत नहीं। दिन, हर एक पेगन, हर एक अन्य जाति का धर्म बोलता है मनन करो, राइट, मनन करो, अकेले में समय बिताओ, दूर जाओ, अकेले दूर हो जाओ, वहाँ पे अकेले समय बिताओ शांति में। बट वो लोग बोलेंगे अपना मन को खाली करो, वो लोग बोलेंगे बस प्रार्थना करो और मनन करो। हम लोग को दिया गया है जिस, क्या चीज़ पे मनन करना है, वचन पे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पढ़ो, पढ़ते रहो वचन को, मनन मतलब प्रार्थना मत करो, नहीं। वचन का, वचन हमें अगुवाई करता है प्रार्थना करने के लिए। वचन हमें और भी बोलता है कि ये सब जो, योर प्रेयर्स हैव टू बी इन्फॉर्म्ड बाई द वर्ड ऑफ गॉड। आपका प्रार्थना का जो तत्व है वो बाइबल से रहना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है तुम मांगते हो, याकूब का 4:2 में, तुम मांगते हैं तुमको मिलता नहीं है, क्योंकि तुम अपना बुरी मन, एक बुरी मन क्या, एक मन जो नहीं जांचा हुआ है वो एक बुरी मन है। इसीलिए वचन से अपना मन को जांचो और तब प्रार्थना करो, वचन से अपना प्रार्थना को जांचो और तब। यहाँ तक कि पुराना नियम में वो जो धूपदान के लिए जो तत्व जो मिलाया जाता था, जिसपे, जिससे आग जलाया जाता था और धूप निकलता था, वो तत्व को भी एकदम केयरफुली लिखा हुआ था कि इसको इतना वजन का, इसको इतना वजन का जोड़ो और मिलाओ। और हड़बड़ी में, या क्या गड़बड़ी ये लोग किए, नदाब और अबीहू, हारून के 2 बेटा, वो लोग, लिखा हुआ है वो लोग अनुचित जंगली आग परमेश्वर के लिए चढ़ाए। अनुचित मतलब अनऑथराइज्ड, वो जो वचन के अनुसार नहीं जांचा हुआ था। इट इज़ गुड टू प्रे डेस्परेट प्रेयर्स, ऑल दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन हम लोग जैसे मसीह में बढ़ रहे हैं, डेस्परेशन और भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग को सब कुछ को वचन से जांचना है। येस, गो हैड एंड प्रे अ लॉट,
और प्रार्थना कीजिए, लेकिन आपका प्रार्थना बिल्कुल वचन का इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह बोले, पिता मुझे मालूम है कि आप मेरा सुनते हैं और जो भी मैं मांगता हूँ आप देते हैं। हम लोग के पास वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह बिल्कुल वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे थे, उनका प्रार्थना बिल्कुल परमेश्वर का वचन के अनुसार के रीति पे था, भावनाओं पे नहीं था, परिस्थिति के अनुसार नहीं था, यू नो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए नो मिस्टिसिज्म, डेफिनेटली अकेले में बहुत समय बिताइए प्रार्थना में, लेकिन वचन के आधार पर रहे, वचन के आधार पर। पहला टिमथी का 3:15 ओके, दिस इज एक्चुअली कंटिन्यूइंग दिस वाला वेटिंग इज कॉर्पोरेट, ये हम भूल गए थे बोलने के लिए, कि मैं तुम्हें मन अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि तुम्हें चराएंगे से तुम्हें चराएंगे। एंड वापस वही 1 Timothy 3:15 1 Timothy 3:15 कलीसिया सत्य का नींव और खंबा है, राइट? ये सब कुछ हम लोग को बताता है कि कलीसिया में चरवाहा परमेश्वर के मन के अनुसार रहना चाहिए और कलीसिया को सत्य का नींव और खंबा, कस्टोडियन ऑफ द ट्रूथ रहना चाहिए। चर्च हैज़ टू बी अ कस्टोडियन ऑफ द ट्रूथ, नॉट अ कस्टोडियन ऑफ द कल्चर। जो संस्कृति चल रहा है इस समय कलीसिया को वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है? ये सब इसलिए बोले क्योंकि ये है कलीसिया का उद्देश्य, और वो वैसा किस्म का कलीसिया में अगर आप जाएंगे तब वो मार्ग में आप पवित्र होंगे, वो मार्ग में आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, वो मार्ग में आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। अय्यूब का 4, नाउ बैक टू दिस नो मिस्टिसिज्म, ओके, अय्यूब का 4:12-18 एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी, ठीक है? अब एक व्यक्ति का सोचिए जो काफ़ी समय दिया है प्रार्थना में, प्रभु मुझसे बात कीजिए, पवित्र आत्मा मुझसे बात कीजिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए, रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे किसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। व्हाट एन एक्सपीरियंस, ठीक है? एकदम रात का बीच में। अगला पद, तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरा देह के रोए खड़े हो गए, ठीक है? एक आत्मा। नेक्स्ट वर्स, वह चुपचाप ठहर गई और उसकी आकृति को पहचान ना सका, परंतु मेरे आँखों के सामने कोई रूप था, पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा। इट्स लाइक अ टेस्टिमनी हाउ होली स्पिरिट स्पीक्स। अगला पद, क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? अगला पद, देख वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्दूतों को मूर्ख ठहराता है। बस, तो ये व्यक्ति गवाही दे रहा है, हम प्रार्थना में अकेले में समय बिताए और रात का बीच में एक आत्मा आया और हमको आवाज़ सुनाई दिया, और वो आत्मा बोला, क्या मनुष्य परमेश्वर से ज़्यादा पवित्र हो सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर से ज़्यादा के ज़्यादा न्यायी हो सकता है? वो अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं करता, स्वर्दूतों पर भी को भी मूर्ख ठहराता है, ठीक है? नाउ यूजली लोग जब बाइबल पढ़ते हैं दे थिंक द होली स्पिरिट सेड, नो दिस इज नॉट द होली स्पिरिट स्पीकिंग। ये यही होगा अगर आप अकेले में समय बिताएंगे एंड योर इनर जो आपका इनर वॉइसेज है वो सब आपसे बात करेंगे। वाई? क्योंकि वचन क्या कहता है? एमोस का 3:7 इसी प्रकार से प्रभु यहोवा भी अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मन बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। ओ, वहां पे वो आत्मा क्या बोल रहा था कि वो अपने दासों पे
भरोसा नहीं रखता है। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, यहोवा कोई भी काम नहीं करेंगे अपने दासों को बिना प्रकट किए। मतलब क्या, मतलब गॉड ट्रस्ट हिज सर्वेंट्स। परमेश्वर अपना मन प्रकट करते हैं, परमेश्वर भरोसा करते हैं अपने दासों को और उनको बताते हैं। अब्राहम वॉज कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर उसको बताए कि वो सदोम और गमोरा पे क्या करने वाले हैं। बट इफ़ यू गो सीक्रेट क्लोजेट में विदाउट योर बाइबल, बिना वचन पे मनन किए, बिना वचन का ज्ञान के साथ, अगर आप पूरी तरह से निर्भर हो जा रहे हैं प्रार्थना पे और ना कि दोनों पैर पे, एक प्रार्थना एक वचन, दूसरा चीज़ पे निर्भर नहीं हो रहे हैं, तब एक बहुत ही अच्छा आवाज़ आपको सुनाई देगा, जो बहुत ही धार्मिक आवाज़ जैसा सुनाई देगा आपको। क्या मनुष्य परमेश्वर के सामने न्याय से ज़्यादा न्याय हो सकता है? क्या सही है? कोई कभी मनुष्य नहीं है। क्या मनुष्य परमेश्वर से ज़्यादा पवित्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। करेक्ट, वहाँ तक सही, लेकिन उसका अगला चीज़ गलत। जो भी सुनने में बहुत सही है कि परमेश्वर अपने दासों पे भी भरोसा नहीं करते हैं, सुनने में सही है। एंड आई थिंक आप जब पहली बार ये वाला पोर्शन पढ़े होंगे तो आपको लगा हाँ, लेकिन एक्चुअली अगर आप बाइबल से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे नहीं, गॉड डज ट्रस्ट हिज सर्वेंट्स। गॉड सब लोग को नहीं भरोसा करते हैं, पर उनके खरे दासों को ज़रूर भरोसा करते हैं, ज़रूर करते हैं। उनके साथ उसका एक रिश्ता है, अपना पवित्र आत्मा, सबसे कीमती चीज़ उनको दिए हैं, अपना कीमती वचन उनको दिए हैं, उनके द्वारा बोल रहे हैं। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं पर भरोसा करते थे और करते हैं, राइट? तो ये प्रॉब्लम हो गया था मिस्टिसिज्म का। और बाद में अय्यूब को याद है परमेश्वर क्या बोलते हैं, वो लोग मेरे, तुम्हारे दोस्त लोग अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करो क्योंकि वो लोग मेरे बारे बुरा बोले, वो लोग मेरे बारे गलत बोले, वो लोग बोल रहे थे आत्मा आया और बोला। यू विल सी पीपल, लोग सर हिलाएंगे, ऐसे ऐसा करेंगे और क्या क्या बोल देंगे, पवित्र आत्मा बोल रहा है। पहला 5 मिनट अन्य भाषा में बोलेंगे, उसके बाद अचानक से पवित्र आत्मा बोल रहा है इसको ये। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा गलत है, लेकिन अगर वचन से नहीं मिलता है तो प्लीज़ गलत है, वचन से नहीं मिलता है तो गलत है। सी दीज आर ऑल वंडरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो बहुत चलता है, कि पहले आप 10 मिनट बोलिए अन्य भाषा में, उसके बाद स्विच ओवर और कुछ बोल दो जो वचन से मिलता नहीं है। अन्य भाषा में बोलना बहुत ही अच्छा है। आई डू इट, आई ट्राई टू डू इट मोर एंड मोर एंड मोर। और भी ज़्यादा आत्मा में प्रार्थना करना ज़रूरी है, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक युद्ध लड़ना है हम लोग को, ये सब करना है। लेकिन बी श्योर कि जो तुम बोल रहे हो और जो तुमको इंटरप्रिटेशन मिल रहा है वो सच में वचन के अनुसार है, क्योंकि लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के बारे में, वो अपने से नहीं बोलेगा, वो मुझसे लेके बोलेगा। यीशु मसीह बोले पवित्र आत्मा के बारे, वो अपने से नहीं बोलेगा, वो मुझसे लेके बोलेगा और मुझे महिमा देगा। यानी कि यीशु मसीह का वचन का विरोध, बाइबल का विरोध पवित्र आत्मा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, बाइबल का वचन को कभी नहीं काटेगा। दूसरा पत्रस का 1:5, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करो अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण यानी कि चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपका मॉरल कैरेक्टर, ठीक है? तो पहले विश्वास के बाद क्या रहना चाहिए आपका जीवन में, कैरेक्टर रहना चाहिए, नहीं तो इट विल जस्ट बी हेड नॉलेज, ठीक है? और जब आपका लाइफ में कैरेक्टर है तब, हाँ लाइफ में कैरेक्टर है, क्यों इतना ज़्यादा हमको कोशिश करना है प्रभु में बढ़ना है ये, नहीं नहीं नहीं, जब आपका लाइफ में कैरेक्टर है उसके ऊपर समझ या नॉलेज, परमेश्वर का समझ में और भी बढ़िए। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान मिल रहा है आपको, वो ज्ञान को आपको अपना लाइफ का ढांचा में घुसाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, एक जज जो बैठा हुआ है उसको व्यवस्था का, कानून का, नियम का ज्ञान है, लेकिन कैसा वो नियम कानून को ये पर्टिकुलर, ये विशेष केस में अप्लाई करना है, उसके लिए उसको समझ चाहिए। वो केस का फॉर्म में वो इतना ज़्यादा नियम कानून है, उसमें से कोई कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है इधर, कुछ कुछ है उधर। वो लॉयर लोग भी पढ़े हैं या जज भी पढ़ा है, और वो लोग ले रहे हैं और बैठा रहे हैं उस केस में, बैठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, बैठा रहे हैं और न्याय कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपको अपना न्याय करना है तो ज्ञान में बढ़ना है। यू वॉन्ट टू जज योर सेल्फ, आपको ज्ञान में बढ़ना है। दैट इज़ वाई, इसी का हिस्सा
word is necessary. परमेश्वर का वचन बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी है. नो पेगन मिस्टिसिज्म. जैसा मन वैसा हम लोग नहीं बोलेंगे ये करो वो करो. और जहाँ तक वचन अधिकार देता है वहाँ तक, लाइक जब हम लोग, हमको लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए कोर्स में, क्या करना चाहिए, वचन में लिखा हुआ है कि आई डोंट, कि चरवाहों के लिए लिखा हुआ है कि जो चरवाहा है, जो कलीसिया का प्राचीन है, उसको भेड़ का देखभाल करना है, खिलाना है, लेकिन उन पे प्रभुता नहीं करना है. एंड इसीलिए व्हेन यू यंग पीपल कम, भैया क्या करें, आई विल नॉट क्रॉस माय बाउंड्री. हम एडवाइस देंगे लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि तुमको ये करना है, और ना ही कोई पास्टर को अधिकार है पूरा पुलिस बनने का लोग का जीवन में. नो 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 पुलिसिंग एंड नो नो बीइंग नो लॉर्डिंग इट ओवर द शीप. दूसरा का लोग वो अधिकार नहीं दिया जाता है. दो चीज से पास्टर को सावधान रहना है, डोमिनेशन नहीं रहना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं रहना चाहिए. डोमिनेशन यानी कि लॉर्ड ओवर द शीप नहीं, ना ही मैनिपुलेशन. क्यों? क्योंकि कलीसिया का सर वो है, ही इज द हेड ऑफ द चर्च. यीशु मसीह इज द हेड ऑफ द चर्च, ही इज लॉर्ड. पास्टर इज नॉट लॉर्ड, पास्टर इज नॉट लॉर्ड. बट पास्टर का अलग अधिकार है, वो अधिकार है, और वो बाउंड्री में हमको रहना है, राइट? तो वचन का समझ हमें और प्राप्त करना है, ताकि हम लोग अपने आप को जांच सके, ताकि अपने आप को और भी अच्छा से जांच सके. दूसरा पत्रस का 3:18, ये आखिरी पद है. देखिए आप लोग जो बाइबल खोले, नेक्स्ट वर्स क्या है? हाँ आखिरी है, राइट? हाँ तो ओ हिंदी में एक और है. ओके नहीं, यहाँ पे भी तो ये आखिरी दिया हुआ है. खैर दूसरा वर्जन्स, बट दिस इज यू सी द लास्ट थिंग जो पीटर बोल रहा है. दूसरा उसका आखिर, उसका दूसरा खत का आखिरी हिस्सा, आखिरी चीज जो वो बोल रहा है, उसका आखिरी एडवाइस कलीसिया के लिए देखिए क्या है. पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ. दिस इज हिज लास्ट एडवाइस. व्हाट वाज द लास्ट एडवाइस ऑफ दैट अपोसल जो यीशु मसीह के साथ चला, पतरस? पतरस का आखिरी एडवाइस कलीसिया के था अनुग्रह में और पहचान में, ग्रेस एंड नॉलेज. अगर आप सिर्फ नॉलेज में बढ़ेंगे तो ज्ञान क्या करेगा? फुलाएगा. लेकिन अगर आपको अनुग्रह में बढ़ना है तो अनुग्रह किसको दिया जाता है? जो दीन है. तो दिस इज द परफेक्ट बैलेंस, ज्ञान और अनुग्रह. ज्ञान में बढ़ रहे हैं, देख आयु सिंह की, आप ज्ञान में बढ़ रहे हैं लेकिन अनुग्रह में नहीं बढ़ रहे हैं, दीन होइए. और फिर ज्ञान में और बढ़िए, फिर दीन होइए. यू नो ये जरूरी है, ये जरूरी है. आई विल गिव अनदर एग्जांपल कैसे ये होता है. भजन का 130 का 3:4, दिस इज द लास्ट एडवाइस ही गिव्स टू द चर्च. इसको प्लीज नजरअंदाज मत कीजिए. 130 हे या, यानी कि हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा रखता तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा. नेक्स्ट वर्स, परंतु तू क्षमा करने वाला है, एंड दैट्स नॉट अ क्वेश्चन मार्क एक्चुअली, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए. बिकॉज देर इज फॉरगिवनेस ऑफ यू विथ यू इन यू दैट यू मे बी फियर्ड. मतलब परमेश्वर का क्षमा पाने के साथ, परमेश्वर का, हम लोग सब परमेश्वर से क्षमा पाए हैं, राइट? यहाँ पे लोग परमेश्वर से बहुत क्षमा पाए हैं, हर दिन क्षमा पाते हैं. क्या हर दिन परमेश्वर का भय आप में बढ़ता है? हाँ, वहां पे डाउट है कि नहीं?
मेरे समय में भी, मेरा लाइफ में भी एक समय काफ़ी दिन महीना तक था आई थिंक, जब मैं परमेश्वर का क्षमा का फ़ायदा उठा रहा था, रोमियो का 2:4, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, यानी कि उसका क्षमा करना उसका कृपा है, राइट, उसका दया को क्या तुम तुच्छ जानते हो। बहुत बार हम लोग बताए कैसे तुच्छ जानते हैं उनका क्षमा को, बाद में माफ़ी मांग लेंगे प्रभु, आखिरी बार माफ़ी मांग लेंगे। परमेश्वर बोलते हैं यही है परमेश्वर को परखना, वचन बताता है कि दिस इज टेम्प्टिंग गॉड। टेम्प्टिंग गॉड मतलब क्या, मैं पाप करूँगा, मुझे मैं मन बना लिया हूँ कि मैं पाप करूँगा, और मैं क्या कह रहा हूँ अपने आप को, पाप करने के बाद मैं क्षमा मांगूँगा, मतलब मुझे इतना परमेश्वर का दया और परमेश्वर का सहनशीलता पे इतना हम अनुमान लगा रहे हैं कि उनका पवित्रता को हम उतना का गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं वो हमको नहीं मारेगा अगर आज हम पाप किए तो, हमको बचाए रखेगा ताकि हम क्षमा मांगें, हम नहीं मरेंगे पाप में, वो हमको क्षमा देंगे ही। हम लोग उनका पवित्रता को तुच्छ जान रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि एक्चुअली वचन में लिखा है जो पाप करता है उसका मजदूरी मृत्यु है, जो पाप करता है, जो प्राण पाप किया है वो मरेगा, तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ निकालेगा। और यीशु मसीह मरे हम लोग के लिए, हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर पड़ा। हम लोग परमेश्वर का दया को तुच्छ जानते हैं, इसीलिए अगर जितना ज़्यादा प्रभु से क्षमा पा रहे हैं उतना ज़्यादा परमेश्वर का भय आप में बढ़ना चाहिए और मुझ में भी बढ़ना चाहिए। एक समय मुझे बहुत ख़राब लगता है उस समय याद करके, और बहुत बार वही शारीरिक मन वापस अंदर आ जाता है कि मांग लें एलसे सॉरी, यू नो आई यूज टू लाइक, संडे आ रहा है ठीक है, सैटरडे आई लास्ट गॉड फॉर फॉरगिवनेस ताकि संडे हम चर्च जा सके और बुरा नहीं लगे हम, या तो संडे वर्शिप के समय या तो कम्युनियन के पहले, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। वो परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का दया को तुच्छ जानना होगा। बाद में क्षमा मांग लेंगे, बाद में क्षमा मांग लेंगे, अभी पाप कर लेंगे, बिल्कुल गलत है। कोई भी आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए ऐसा मन रख के। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं दिया गया है ताकि हम ज़्यादा पाप करें, परमेश्वर का अनुग्रह दिया गया है ताकि हम पाप पे जय पाए, ताकि पाप पे जय पाए। एंड यहाँ पे जब हम लोग वचन के इतना बात किए, याद रखिए याकूब का 1 एक मिनट, रोमियो का 2:13, याकूब का नहीं, रोमियो का 2:13, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था सुनने वाले धर्मी नहीं चलने वाले धर्मी ठहरे जाएंगे, राइट। हम लोग अभी लास्ट में ध्यान दिए कि वचन इतना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे वचन सुनना ज़रूरी है, लेकिन सुनते हम लोग इसीलिए हैं ताकि आज्ञा माने एंड से यस लॉर्ड, देर इज़ नो अदर वे, आई हैव टू ओबे। जैसे हम लोग प्रेरितों का 5:32 देखे थे, पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो आज्ञा मानते हैं, राइट। सुनना नहीं है, आज्ञा मानना है, आज्ञा मानना है, क्योंकि वहाँ पे ही हम लोग जैसे वचन मिलता है, दैट्स वेयर वी किल आर ओवर कॉन्फिडेंस, वी जज आर सेल्स एंड हम लोग अपने आप को न्याय करते हैं एंड वी डिसाइड यू नो वॉट, आई विल बी अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट फेलोशिप, हम रहेंगे मसीह का देह के साथ। यू नो वी हैव टू जज ourselves कि हम सच में प्रेम करते हैं कलीसिया से। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ yourself, अगर आप सच में, ये नहीं कि कलीसिया को आप चाहते हैं, आई लाइक दिस चर्च, इट इज़ अ गुड चर्च, नहीं नहीं नहीं, कलीसिया से सच में क्या आप प्रेम करते हैं, डू यू लव द पीपल इन द चर्च, डू यू हैव दैट लव, नॉट फॉर द पास्टर नेसेसरीली, नहीं, यू ऑल आर वेरी काइंड टू मी रियली,
बट उससे ज़्यादा एवरी वन इन द चर्च, कि हम लोग वी हैव दैट अर्नेस्ट प्रेम सबके लिए, वो प्रेम है, क्योंकि अगर नहीं है तो सुसमाचार अंदर में नहीं काम किया है. क्योंकि सुसमाचार का संदेश हम लोग के अंदर काम किया है तो वो हम लोग को परिवार बनाया है, भाई बहन बनाया है, हम लोग दोनों को, हम लोग सबको एक दूसरे के अंग बना दिया गया है. आई एम पार्ट ऑफ यू, यू आर पार्ट ऑफ मी. आई नो आप लोग ये मानते हैं, लेकिन क्या आपका व्यवहार ये प्रकट करता है? क्योंकि अगर हम लोग का व्यवहार ये प्रकट नहीं करता है तो सच में हम लोग गहराई से नहीं माने हैं. एंड रियली आई वॉन्ट यू टू थिंक, आप कितना कलीसिया के बारे कितना सोच, नॉट गॉसिप कौन क्या कर रहा है, नो नो नॉट दैट, लेकिन आप कलीसिया के बारे कितना सोचते हैं लोगों के बारे, चर्च में कितना खुश रहते हैं लोगों से मिलने के लिए, कितना उत्साह रहता है लोगों से मिलने के लिए. यू नो टू मीट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यू कैन नॉट से आई लव क्राइस्ट विदाउट हिज बॉडी. आई लव द हेड, आई डोंट लव द बॉडी. नहीं, नहीं. सुसमाचार जब एक व्यक्ति को बदलता है तो उसके अंदर एक बहुत गहरा प्रेम लाता है भाइयों के लिए, भाइयों के लिए बहुत गहरा, ब्रदरन के लिए जो कलीसिया है, संत जनों के लिए एक बहुत ही गहरा प्रेम लाता है. एंड दे रियल एंड दैट इज वॉट यू नो रियली ब्लेसेस अस, क्योंकि यू विल लव स्पेंडिंग टाइम विथ वन अनदर. यू विल लव इट व्हेन लोग घर आते हैं, यू विल लव इट, बहुत ही अच्छा लगेगा जब लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, घर आते हैं, एंड जब आप दूसरे घर आते हैं, यू विल ऑलवेज फील वेलकम इन द चर्च. एक दूसरे के ज़िंदगी में यू विल ऑलवेज फील वेरी वेलकम, यू नो. और वो प्रेम सबूत है कि हम लोग सच्चाई में चल रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा लोग जान पाएंगे कि हम लोग उनके चेले हैं. हम लोग का सिद्धांत के द्वारा नहीं, हम लोग एक दूसरे से प्रेम रखें, वो खरा प्रेम, यू नो. एंड देन वी आर टुगेदर, तब परमेश्वर बोलते हैं आई विल पोर आउट माई स्पिरिट. भजन का 133 दूसरा और तीसरा पद, पहला पद से, देखो यह क्या भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे. अगला पद, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया. You see that? That's how the spirit is poured out. That's, तो ये सब कुछ है, you know, and these all components have to be there. अगर आप सिर्फ इसको पकड़ेंगे तब घमंड आ सकता है. अगर आप सिर्फ एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और वचन को नहीं थामे रहेंगे तब हम लोग एक दूसरे का कॉम्प्रोमाइज़ के साथ हाथ मिला के चलेंगे, you know. तो ये सब कुछ को हम लोग को एक साथ जोड़ के रखना है. एंड दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ वेटिंग ऑन गॉड. इस ये विषय में हम लोग और भी ज़्यादा समय देंगे, कि कैसे सच में पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग पा सकते हैं. बट दिस इज एब्सोल्युटली वेरी प्रैक्टिकल. लेकिन याद रखिए, ये वो नतीजा है सुसमाचार का गहरा काम का, सुसमाचार का गहरा काम का नतीजा है. तो इसको एक बर्डन के रूप में मत लीजिए. इट इज एन आउटफ्लो ऑफ द वर्क ऑफ द स्पिरिट. यू नो आई टेल यू समथिंग, वर्शिप इज अ रिस्पॉन्स. आराधना एक प्रतिउत्तर है. आराधना का आरंभ, सच्चा आराधना का आरंभ कभी भी मनुष्य से नहीं होता है. सच्चा आराधना का आरंभ कभी भी मनुष्य से नहीं होता है. यू नो आई गिव यू एन एग्जाम्पल. दूसरा दिन ब्रदर जूड आए अपना परिवार के साथ, वो यहाँ पे थे कुछ दिन तक, एंड वो आए एंड जुएल भी आई थी, यू नो. एंड जुएल को, उनकी बेटी को काफ़ी अच्छा शौक है, मतलब खाना का ये. एंड माय वाइफ मेड रियली गुड फूड, बहुत अच्छा सजाया हुआ था, बहुत अलग अलग चीज़ बनाई थी. एंड जैसे उसका प्लेट टेबल पर रखा गया, ऑटोमेटिकली वो अपना कैमरा निकाली, एक फ़ोटो खींची, एंड हम कॉमेंट किए, एकदम वो खाना आदर स्तुति प्रशंसा के योग्य है कि नहीं. एंड वो भी हंसी. यू नो
That is worship. And we do it every day to everything. Automatically, हम लोग जो खाने का शौकीन है, जब देखता है कि अच्छा सजाया हुआ है, अच्छा स्मेल आ रहा है, ऑटोमेटिकली तारीफ निकलता है. क्या बोलना पड़ता है? जैसा बच्चा लोग को प्रेयर करो तब खाओ. दैट प्रेयर इज नॉट अ रिस्पॉन्स फॉर देम, प्रेयर इज अ वर्क. हम लोग के लिए प्रेयर रिस्पॉन्स रहना चाहिए कि खाना देखे लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड. इट शुड बी अ रिस्पॉन्स, इट शुड नॉट बी अ लॉ. वो एक व्यवस्था नहीं रहना चाहिए. व्यवस्था का आरंभ हम लोग से हो जाता है नहीं तो. लेकिन आराधना का आरंभ हमेशा परमेश्वर करते हैं और आराधना एक प्रत्युत्तर है. ये खाना इतना योग्य है, उसका सजावट, उसका सब कुछ अलग अलग चीज़ जो इतना स्वादिष्ट, उसका स्वाद इतना योग्य है और उसका जो सजावट है वो इतना योग्य है कि हम प्राकृतिक रूप से खुशी के साथ कैमरा लेके फोटो लेके इंस्टाग्राम में तुरंत इसी वक्त डाले खाने के पहले, इसके पहले कि उसको हम बिगाड़े. धोनी और कोहली का बैटिंग इतना योग्य है, उनका बैटिंग में इतना खूबी है और इतना योग्य है कि चाहे वो लोग रंग बिरंगा कपड़ा पहने या सफ़ेद कपड़ा पहने और सुबह से लेकर रात तक टेस्ट मैच खेल रहे हैं न्यूजीलैंड में, फिर भी हम बैठे रहेंगे. क्यों? उसका बैटिंग में इतना खूबी है कि वो योग्य है कि 10 लाख लोग इस देश में अपना आँख नहीं हिलाए. आराधना परमेश्वर का योग्यता का प्रत्युत्तर है. आराधना परमेश्वर का योग्यता का प्रत्युत्तर. इट इज अ रिस्पॉन्स टू द वर्दीनेस ऑफ गॉड. लेकिन आपके लिए अगर आराधना, इफ इट इज नॉट अ रिस्पॉन्स, इफ इट इज अ वर्क. एंड वॉट इज आराधना? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गाना, ठीक है, प्लीज. इट्स नॉट, हम अभी एग्जाम्पल क्यों लिए फूड का और कोहली का बैटिंग देखने के लिए? उसको थोड़ी कोई बोलेगा वर्शिप है. बट दैट इज वर्शिप, दैट इज वर्शिप. अगर हम लोग उतना सैक्रिफाइस के साथ पूरा अपने आप को डिवोट कर दे रहे हैं 6 घंटा के लिए वो चीज़ के लिए, यू नो, और अगर वापस ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से मन जा रहा है, जो भी अरे एग्जाम में पढ़ना है लेकिन मन जा रहा है. आई रिमेंबर लास्ट वर्ल्ड कप, बाप रे, एग्जाम के समय में वर्ल्ड कप आ गया था, कोई और समय नहीं मिला, मेरा मन एकदम डिवाइड हो गया था कि पढ़े कि वर्ल्ड कप देखे. अरे बेटा लोग हारा भी उस समय, मतलब तो पढ़ाई भी मैं पूरा ध्यान नहीं दे पाए और उधर जितना ध्यान बटा गया तो उससे भी कुछ रिटर्न्स ज़्यादा मिला नहीं. ऑटोमेटिकली जैसा कि आप हवा तो भर सकते हैं बैलून में और वो टना जाएगा, है कि नहीं, वो रबर टना जाएगा, लेकिन जब हवा निकल जाएगा तो वापस अपना आकार में आ जाता है, वापस अपना आरंभ का आकार में आ जाता है. वैसे ही आप भी प्राकृतिक तौर से, क्योंकि अब आप नए सिरे से जन्म पाए हैं, आपका जो चीज़, आपका मन जिस चीज़ पे पड़ता है, एक्चुअली हम लोग उसी चीज़ का उपासना कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग उसी चीज़ का उपासना कर रहे हैं. लाइक अगर आप ट्यूसडे मीटिंग या वेंसडे मीटिंग या जब भी कोई भी मीटिंग से आप वापस घर जाते हैं, वो ऐसा बोले वो ऐसा बोला, वो ऐसा हमेशा क्यों करता है, वो देखो क्या पहनना था आज. ये सब चीज़ आपका मन पे अगर भारी है घर जाते समय, तो यू आर मोर वरीड अबाउट पीपल, वो क्या है, ये क्या है. दैट ऑटोमेटिकली आपका मन उस चीज़ की ओर जा रहा है. आप अभी भी शरीर में चल रहे हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति का मन वो सब चीज़ में खींचा जाएगा, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है, आराधना उसके लिए एक बोझ नहीं रहेगा. सुबह उठ के परमेश्वर के वचन पर मनन करना उसके लिए बोझ नहीं रहेगा, उसके लिए वो एक प्रत्युत्तर रहेगा. आराधना, याद रखिए, यीशु परमेश्वर ने कहा कि पिता ऐसे लोग को खोज रहे हैं जो लोग आत्मा और सच्चाई में आराधना करें, आत्मा से आराधना करें. आत्मा से आराधना करने के लिए उसका आरंभ परमेश्वर को करना है, क्योंकि यीशु ने कहा योना का 3 में, आत्मा आत्मा को जन्म देता है. लेट मी मेक अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. आप उतना ही आत्मा में आराधना कर सकते हैं जितना कि आत्मा आप में गहरा, आपका आत्मा में गहरा काम किया है. जितना आत्मा आपके अंदर गहरा काम किया है, उससे ज़्यादा आप आत्मा में आराधना नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ वाई पहले आत्मा को आपके अंदर काम करना है, सुसमाचार के द्वारा आत्मा को हमारे अंदर काम करना है, बार बार वो संदेश को हमारे अंदर काम करना है, तभी
उसका प्रत्युत्तर आराधना, सच्चा आराधना रहेगा. दैट इज वाई इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर एब्राहम. हम लोग एब्राहम के बाप रे, तो हम लोग दूसरा लोग को बोलते हैं एब्राहम अपना बेटा दिया और तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो प्रभु को. वो सुबह सुबह को देखो अपना बेटा को लेके गया और वेदी पर डाला. दैट वॉज अ रिस्पॉन्स. अगर आप ये बोलेंगे कि एब्राहम अपना मेहनत से ये किया, यू आर रॉन्ग. क्योंकि उसके पहले उत्पत्ति 22 में वो, उसके पहले उत्पत्ति का 15 और 17 में परमेश्वर उसके साथ एक वाचा बांध रहे हैं. परमेश्वर उसका बहुत बड़ा छुटकारा दे रहे हैं 18 में. क्या वाचा बांधे याद है ना, जानवर को दो अलग तरफ, बीच में खून. और परमेश्वर बोले देखो अगर, और परमेश्वर उसको सुला दिए और परमेश्वर उसको दिखाए कि देखो इब्राहिम अगर हम वाचा तोड़े मेरा मौत होगा, और इब्राहिम अगर तुम भी तोड़े मेरा मौत होगा. परमेश्वर इस तरह से अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिए थे और विश्वास योग्य साबित कर दिए थे. और इसीलिए जब परमेश्वर बोले अपना इकलौता पुत्र इसहाक को चढ़ाओ, अगला सुबह तुरंत, क्योंकि वो आराधना का आरंभ वो नहीं किया था, परमेश्वर किए थे. क्योंकि लिखा हुआ है यहोशू का आई थिंक 23 या 24 में लिखा हुआ है कि इब्राहिम और उसका पिता नाहोर पहले वो लोग जो जिस देश में थे वहाँ पे वो लोग दूसरे देवी देवताओं को उपासना करते थे. झूठा आराधक से परमेश्वर उसका एक सच्चा आराधक बनाया. ये परमेश्वर का काम है. क्या परमेश्वर को आपके अंदर काम करने दे रहे हैं या आपका आराधना आपका खुद का काम हो रहा है? क्योंकि अगर आपके लिए आराधना चर्च आना, ठीक है ये चर्च आना भी छोड़ दीजिए, अगर हर दिन बाइबल पढ़ना आपके लिए, परमेश्वर का तारीफ करना आपके लिए, हर एक चीज़ों का तारीफ करना आपके लिए, परमेश्वर को हर एक चीज़ों में धन्यवाद देना, बात बात में प्रार्थना करना, ये सब चीज़ अगर आपके लिए एक बोझ है और आप बोलते हैं अरे ठीक है ना शाम को पढ़ लेंगे, अरे ठीक है कल पढ़ लेंगे, और आपके अंदर वो उत्तेजना नहीं, अरे हमको बाइबल पढ़ने का, हमको और समय थोड़ा सा देना है काम में जाने के पहले, या आज सुबह उठ के हमको बाइबल, अगर आपके अंदर वो बोझ नहीं है, वो उत्तेजना नहीं है, यानी कि आपके लिए वो आराधना एक बोझ है और वो एक प्रतिउत्तर नहीं है. इट्स नॉट अ रिस्पॉन्स, इट इज़ योर ओन एफर्ट. आपका आराधना आपका खुद का एफर्ट हो रहा है. आप देखेंगे बाइबल में परमेश्वर पहले लोग को बुलाते थे, परमेश्वर पहले अपने आप को प्रकट करते थे, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो गिदोन हो, उसके बाद वो लोग एक वेदी खड़ा किए परमेश्वर के लिए. आराधना वो लोग शुरुआत नहीं किए, परमेश्वर से शुरुआत हुई. यीशु मसीह बोले अगर पिता तुमको नहीं खींचते ना कोई मेरे पास नहीं आता. शुरुआत हमेशा परमेश्वर करते हैं, शुरुआत हमेशा परमेश्वर करते हैं. डू यू रियलाइज, हम कल भी बोल रहे थे आप लोग अपना सबसे पहला परमेश्वर के लिए कौन सा काम किए थे याद है? मे बी आप ऑफरिंग दिए चर्च में एट द एज ऑफ 2, एट द एज ऑफ 5, एट द एज ऑफ 4 चर्च अटेंड किए, शायद संडे स्कूल में आप गाए प्रभु का महिमा के लिए. बट डू यू नो बाइबल में लिखा हुआ है कि आप का जन्म होने से पहले आपके माँ के घर में जब आप थे, जब आप एक भी अच्छा काम नहीं किए थे तभी परमेश्वर आपको चुन लिए थे. वाई? क्योंकि परमेश्वर बोले ये तुम्हारे कामों की वजह से तुम नहीं चुने गए हो, तुम मेरा आराधना किए इसीलिए हम अपने आप को प्रकट किए. नहीं, मैं तुम्हें चुना हूँ इसीलिए मैं अपने आप को प्रकट किया, इसीलिए तुम आराधना कर पाए, इसीलिए तुम आराधना कर पाए. इट इज़ ऑलवेज अ रिस्पॉन्स. और अगर अभी हम लोग का रिस्पॉन्स बोझ है, दबा हुआ है, मतलब वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड हिम. उनका अनुभव अभी भी गहराई से हम लोग वो सुसमाचार को माने नहीं हैं, और अभी भी हम लोग अपने कामों पे ध्यान किए हैं, उनके अनुग्रह पे नहीं. इसलिए पौलुस लड़ गया वो यहूदियों से जो लोग मसीह का भी प्रचार कर रहे थे. बहुत सारे यहूदी लोग मसीह का प्रचार कर रहे थे, लेकिन पौलुस लड़ गया वो लोग से. मार्टिन लूथर लड़ गया पूरा कैथोलिक चर्च से. नॉट क्योंकि कैथोलिक चर्च कोई दूसरा नाम में प्रचार कर रहा था, वो लोग यीशु मसीह के बारे में भी बोल रहे थे, लेकिन इट वॉज ऑन द वे ऑफ सेल्वेशन, उद्धार के रास्ता. इट वॉज अबाउट गॉड्स वे. उसके ऊपर पौलुस लड़ लिया, मार्टिन लूथर लड़ लिया, एंड दे सेड दिस इज नॉट व्हाट द चर्च इज सपोज टू बी. वो लोग बोले दिस इज नॉट द वे ऑफ सेल्वेशन. वे ऑफ सेल्वेशन है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, ना कि हमारे कामों से. जबकि बाकी सब लोग बोल रहे थे कामों से. यहूदी लोग बोल रहे थे हाँ विश्वास करो लेकिन खतना भी करो. कैथलिक लोग बोल रहे थे हाँ विश्वास करो लेकिन ये तुमको मोमबत्ती जलाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, रोजरी करना पड़ेगा, काम 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 काम. और ये सब के लिए परमेश्वर के दास लोग लड़ जाते हैं.
और जो समझ नहीं पाए हैं, जो परिपक्व नहीं, वो लोग बोलेंगे छोटा सा चीज है। नहीं, इसी पे उद्धार निर्भर है, यही वो फाटक है, यही वो सकरा मार्ग है जिसको और धुंधला नहीं किया जाएगा, जिसको और स्पष्ट किया जाएगा, जिसके लिए चरवाहा लोग जाके लड़ जाता है भेड़ियों से, क्यों विश्वास काफी नहीं है, जबकि विश्वास से ही आरंभ होता है और हमारा आराधना एक प्रतिउत्तर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, ये सच्चाई आपका सुसमाचार के बारे प्रभु बार बार हम लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि प्रभु सच में प्रभु हफ्ता में बहुत बार होता है प्रभु, जब अपने निजी कामों में हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं प्रभु, और हम लोग भूल जाते हैं कि आपका अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। बहुत बार जब लोग हमारे खिलाफ पाप करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु आप मेरे पापों के लिए और उस व्यक्ति के पापों के लिए जो मेरे खिलाफ पाप किया, आप दोनों के लिए मरे प्रभु। बहुत बार प्रभु ये सच्चाई प्रभु हमारे मन से फिसल जाता है प्रभु, हमारा मन प्रभु इतना शारीरिक है प्रभु, आपका सच्चाइयों को, आपके इतने अद्भुत सच्चाइयों को प्रभु पकड़ के थामा हुआ नहीं रखता है प्रभु। और प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका आपके सारे प्रेरित प्रभु वचन में बार बार ये सच्चाइयों को प्रभु बार 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 प्रभु फिर से प्रभु हमारे अंदर मजबूत करते गए ताकि हम जड़ ले सके प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि ये सच्चाइयों में हम चले प्रभु, और ताकि हमारा आराधना प्रभु, जैसे हाबिल प्रभु अपना पहलौठा लाया, जैसे इब्राहिम प्रभु अपना इकलौता पुत्र लाए, हम भी प्रभु और भी उत्तम बलिदान चढ़ाए प्रभु, कि कभी भी प्रभु आपका सेवा प्रभु हमारे लिए प्रभु एक बोझ ना रहे प्रभु, कभी भी प्रभु वो हमारे लिए जिंदगी या दिन का आखिरी चीज ना रहे प्रभु, बचा कुचा समय का चीज ना रहे प्रभु, लेकिन प्रभु हमेशा उत्तम स्थान प्रभु दे प्रभु, बिल्कुल प्रभु एक उत्तम बलिदान चढ़ाए प्रभु। और ये प्रभु बस एक प्रतिउत्तर रहेगा प्रभु, ये हमारा मजदूरी नहीं रहेगा प्रभु, क्योंकि प्रभु क्रूस पे आपने काम किया और आपने कहा कि वो काम पूरा आपने किया है प्रभु, ये बस प्रभु आपका काम जो आप हमारे अंदर किए हैं प्रभु, उसी का प्रतिउत्तर है प्रभु। धन्यवाद पिता, आपको आपको आपका महिमा हो प्रभु, आपका लहू को यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं और आपको प्रशंसा हो। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन।